अगर आपके पास 60% है और आपके फिर भी ख्वाब है जर्मनी आके पढ़ने के या अब्रॉड जाके, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप फिर भी फुलफिल कर सकते हो। जर्मनी में दो टाइप के यूनिवर्सिटी होते हैं, एक होती है पब्लिक यूनिवर्सिटी, एक होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। पब्लिक यूनिवर्सिटी का मतलब बहुत लेमैन टर्म में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, जहाँ पर ट्यूशन फीस ना के बराबर होती है। हर सेमेस्टर आप सिर्फ उनको 200-400 यूरो देते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आपका कोर्स कितने सेमेस्टर का कोर्स है। अगर आप 60% लेके बैठे हो और इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके कोर्सेज पढ़ना चाहते हो आपके मास्टर्स, आपको इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में तो नहीं बट जर्मन टॉट प्रोग्राम में एडमिशन बिल्कुल मिल जाएगा। हालांकि आपको उस प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। जर्मन लैंग्वेज सीखने के लिए C1 तक की लेवल लगा लो आपको 10 से 12 महीना देना ही पड़ेगा कुछ भी करके, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितने इंटेंसिव कोर्स के लिए जा रहे हो। C1 सर्टिफिकेट गोएथे का निकालोगे तब जाके आपको एडमिशन मिलने के चांसेस है पब्लिक यूनिवर्सिटी में। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आई वुड से इट्स वेरी इजी टू गेट इन इवन इफ यू हैव लेस देन 60%। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आर फाइनेंशियली ड्रिवन, एज लॉन्ग एज यू आर पेइंग देम इट्स गुड टू गो। क्वालिटी पे कोई डिफर नहीं करता कि लाइक पब्लिक में पढ़ रहे हो प्राइवेट में पढ़ रहे हो। इनफैक्ट जब आप जॉब्स के लिए भी जाओगे मार्केट में तो कोई एम्प्लॉयर आपको ये नहीं पूछेगा कि पब्लिक से पढ़ के आया प्राइवेट से पढ़ के आया, या स्किल्स पे ज्यादा ध्यान देना, आप कौन हो आपके टैलेंट पे ज्यादा ध्यान देना। वीडियो पसंद आया लाइक करना एंड फॉलो फॉर मोर।